तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और आज हम लोग जा रहे हैं ब्लॉग बनाने, जो हमारा आज का टॉपिक है, हमारा जो लिए हम लोग सेकेंड हैंड ग्लैमर का ओल्ड मॉडल वाला बाइक, तो उसमें कितना माइलेज देता है 1 लीटर में, उसको आज टेस्ट करेंगे और पूरी जानकारी आप लोग को देंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी घर पे है, तभी निकलेंगे। अभी 1 लीटर तेल डालेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। तो देख सकते हैं गाइस, ये हमारा ग्लैमर खड़ा है और ये रहा हमारा 1 लीटर तेल। तो आज देखते हैं हमारा इसमें 1 लीटर में कितना चलता है, कितना किलोमीटर, भी पूरा टेस्ट करेंगे। अभी हम लोग निकल रहे हैं गाइस, थोड़ा देर में बस निकलने वाले हैं। हम अपना बाइक पे आ गए हैं और देख सकते हैं यहाँ तेल पूरा ख़त्म हो चुका है। देखिए हमारा सेल्फ काम नहीं कर रहा है और देखिए किक भी नहीं काम कर रहा है। देख सकते हैं किक से भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, यानी पूरा हमारा तेल ख़त्म हो चुका है। तो अभी हम लोग तेल को भी पूरा टंकी में डाल देते हैं। देख सकते हैं यहाँ भी तेल पूरा ख़त्म हो चुका है, नहीं दिख रहा होगा आप लोग को। देख सकते हैं हमारा ये 1 लीटर का बोतल है, तभी हम पूरा तेल इसी में डाल देते हैं। तो जब तक हम तेल डालते हैं, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारा तेल पूरा 1 लीटर डल गया है। अब बोतल को हम लोग इधर साइड में फेंक देते हैं। और देख सकते हैं हमारा यहाँ है मीटर। मीटर आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसे ट्रिप में लगा देते हैं, जीरो कर देते हैं ऊपर में। हमें दिख नहीं रहा है, हम फोटो खींच लेते हैं अच्छा से। देख सकते हैं हम लोग फोटो वोटो खींच लिए हैं, देख सकते हैं ऊपर में जीरो कर दिए हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं ये 1 लीटर में कितना किलोमीटर चलता है। हमारा बाइक स्टार्ट हो चुका है, फिर रोड निकलते हैं हम लोग तुरंत। रुक गए हैं एक जगह और देख सकते हैं हमारा बाइक यहाँ खड़ा है और आप लोग को दिखा देते हैं। यह हमारा 70 किलोमीटर चल चुका है और थोड़ा सा अभी दिखाते हैं आप लोगों को पेट्रोल हमारे पास भी कितना बचा हुआ है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ हल्का हल्का दिख रहा है, एकदम हल्का हल्का पेट्रोल दिख रहा है। आप लोग को कैमरा से उतना अच्छा से नहीं दिखेगा, इन यहाँ दिख रहा है तभी उसे भी अभी हम लोगों दिखाते हैं आप लोगों को कितना देर अभी ये थोड़ा सा पेट्रोल चलेगा। अभी हम लोग फिर से अभी बाइक में बैठ जाते हैं, फिर से देखते हैं और कितना देर चलेगा हमारा पेट्रोल।
देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा यहाँ का तेल पूरा ख़त्म हो चुका है। आप लोगों को दिखाते हैं अभी स्टार्ट करके। देख सकते हैं पूरा तेल हमारा ख़त्म हो चुका है। और देख सकते हैं यहाँ दिख नहीं रहा है, रुके भी दिखा रहे हैं लोग को। देखिए और स्टार्ट करके देख लेते हैं, तो स्टार्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर आके हमारा बाइक देख सकते हैं, यहाँ पर आके आने के बाद हमारा तेल ख़त्म हो चुका है। तभी हम लोग टंकी खोल के देख लेते हैं यहाँ तेल है या नहीं है। यहाँ तो थोड़ा बहुत तेल दिख रहा है, लेकिन वो उसका कोई पता पता नहीं रहता उस तेल का। तो फाइनली गाइस, हमारा बाइक का तेल ख़त्म हो चुका है। जो हम लोग 1 लीटर डाले थे वो पूरा ख़त्म हो चुका है। तो आप लोग को दिखाते हैं अभी हमारा बाइक कितना किलोमीटर चल चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ 71 किलोमीटर चल चुका है। अभी हम लोग देखते हैं हमारा बाइक कितना में चलना स्टार्ट हुआ था और कितना चला है। देख सकते हैं हम लोग ट्रिप लगाए थे 0 का, तो हमारा वहाँ 71 किलोमीटर चल चुका है। और नीचे देख सकते हैं पहले कितना था, अभी स्क्रीन शॉट लिए थे, फोटो खींचे थे, वहाँ से आप लोग को मिला के दिखाते हैं। से भी ज़्यादा माइलेज दे सकती है अगर आप लोग उसको 40-60 के अंदर में चलाएंगे। मैं तो कभी कभी थोड़ा बहुत 60 से प्लस चल जाता था, वरना थोड़ा बहुत और माइलेज देती बाइक। तो जिन लोगों का डाउट था कि ये बाइक 70 की माइलेज देती है, 80 की माइलेज देती है या 50 की माइलेज देती है, तो हम लोगों ने पता लगा लिया है ये बाइक 1 लीटर में 70 किलोमीटर चल सकती है। हम लोग इसका पूरा जानकारी ले लिए हैं। हम लोग 1 लीटर में 70 किलोमीटर चलेगी, उससे ज़्यादा भी उससे कम भी, बस चलाने वाले पर निर्भर रहेगा माइलेज, वरना ये 80 तक भी माइलेज दे सकती है, 50 की भी दे सकती है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।